तो दोस्तों ये है सिलीगुड़ी शहर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े शहरों में से एक है तथा ये हिमालय की तलहटी में चाय के बागानों से घिरा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। सिलीगुड़ी विशेष रूप से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम इस शहर की भौगोलिक स्थिति को देखें तो वर्तमान समय में सिलीगुड़ी हमारे देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहां से गुजरने वाला 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारी मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अलग अलग हिस्सों से जोड़ता है, जिस वजह से सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए है कि मेन सिटी की, तो सिलीगुड़ी का अर्बन एरिया 117.54 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से अपनी सीमाएं साझा करता है। वहीं सिलीगुड़ी शहर की आबादी आज के दिन यानी 2022 में 10,92,000 है, जो कि 2011 से 3,00,000 से भी अधिक ज्यादा हो चुके हैं। डेमोग्राफिक इन सिलीगुड़ी सिटी, हिंदुइज्म 91.98%, मुस्लिम 5.37%, क्रिश्चियनिटी 0.94% और बाकी थोड़े बहुत दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पर बसवास करते हैं। सिलीगुड़ी शहर में बहुत से लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की बंगाली लैंग्वेज है। बंगाली 60.88%, हिंदी 25.24%, नेपाली 4.66%, बाकी यहाँ पर उर्दू, मारवाड़ी, उड़िया और आसामी भाषाएं भी बोली जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में सिलीगुड़ी काफ़ी डेवलप सिटी है। रेलवे, हाईवे और एयरवे सभी प्रकार से सिलीगुड़ी देश के अन्य प्रांत से जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी शहर में दो रेलवे स्टेशन हैं, सिलीगुड़ी टाउन और सिलीगुड़ी जंक्शन, जबकि शहर से लगा हुआ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, जहां पर भारत के सभी राज्य के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। अगर हवाई मार्ग से सिलीगुड़ी विजिट करना चाहते हैं तो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे निकटवर्ती विमानबंदर है, जो कि सिटी सेंटर से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं आज के टाइम सिलीगुड़ी पूरे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के बाद एक नया हिल्स स्टेशन के तौर पर विकसित हो रहा है, जहां पर आपको सुंदर चाय के बागान, बादलों से ढकी पहाड़ियां और एक अनएक्सप्लोर प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलेंगे। अगर आप सस्ता में शॉपिंग करना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी का हांगकांग मार्केट आपके लिए बना है, क्योंकि ये खास मार्केट नेपाल, चीन और थाईलैंड से आयातित सामानों को बेचने के लिए जाना जाता है, जहां पर आपको सभी तरह के सामान काफी सस्ता में मिलेंगे। बाकी यहाँ बंगाल सफारी पार्क, कोरोनेशन ब्रिज, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बंगाल विज्ञान केंद्र जैसे जगहों पर घूम सकते हैं।